इसका मेन प्रोसेस क्या है? हम लोगों ने 9 नवंबर 2017 को इसकी स्थापना करी थी, जिसमें हम शहर में कोई भी मंदबुद्धि, लावारिस, टीबी ग्रस्त, हाथ पैर जिसके खराब हो या अंधा हो, कोई भी जिसका बिल्कुल कोई नहीं हो, उसको अपने यहाँ रखते हैं और उनकी पूरी सेवा हम में चिकित्सा, वस्त्र और उनको वह पूरा आवासीय सुविधाएं हम लोग देते हैं। हमारे यहाँ जो सेवा साथी हैं वो दिन रात उनकी सेवा में 24 आवर्स उसमें लगे हुए हैं जी। बताए क्या सरकार द्वारा मदद मिलती है, योगदान है या समिति द्वारा ही पूर्ण तरीके से इसका? ये संस्था पूरा जन सहयोग से चल रहा है, कोई सरकार से हमको मदद नहीं मिलती। आगे किस किस तरह की आपकी अपना घर के लिए जैसे आगे की आपकी रणनीति रहेगी? जैसे हमारी रणनीति तो ये है कि शहर में इस टाइप का किसी भी आदमी को हम छोड़ना नहीं चाहते। हमारा उद्देश्य भी यही है कि जो भी लावारिस या मंदबुद्धि या कीड़े पड़े हुए जैसा भी कोई भी हो, उसको हम हर हालत में अपने यहाँ रखते हैं और हमारा उद्देश्य यही है। महिलाओं के लिए क्या? महिलाएं यदि हमको कोई भी मिलती है तो हम उनको भरतपुर आश्रम में अपनी एम्बुलेंस से ट्रांसफर करवाते हैं।